अंबेडकर के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और मंच पर विराजमान सम्माननीय दीवान सिंह रावत दयाला जी, भाई सूरज भान जी, सरपंच डाबर भाट, आदरणीय अजमेर सिंह सोलंकी जी सिलरा, मेरे मित्र और मेरे छोटे भाई, नगर पंचायत करारा के उपाध्यक्ष आदरणीय शकरवार धोनी के पूर्व सरपंच अखिलेश जाटव जी, उनके साथीगण मेरे मित्र राम कुमार जाटव जी, भाई मेरे केकवादा नरवर से चलकर आए सरपंच गुर्जर जी, भाई नारायण सिंह जाटव जी, और यहाँ पर हमारे इस बरसोड़ी ग्राम के टूर्नामेंट जो क्रिकेट का मैच होने जा रहा है उस टीम के कप्तान भाई सचिन जाटव जी, उपकप्तान बंटी रावत जी, और कमेटी के अध्यक्ष भाई चंद्रवान सिंह जाटव जी, उपाध्यक्ष भाई सूरज जाटव जी, सचिव भाई रूपेश जाटव जी, और इस गांव के वयोवृद्ध, और इन्होंने सर्वप्रथम कई वर्ष पूर्व जिन्हें सरपंच का ख्याति प्राप्त है, ऐसे मेरे दादा श्री रंगीलाल जाटव जी, भाई सुरेश चंद्र जी जो हमारे बीच में विराजमान है, एएसआई साहब दरोगा जी, रामदास जी, लल्लू दादा जी, नवल सिंह जाटव जी, भाई हरप्रसाद जाटव जी, हमारे सभी युवा नौजवान साथी और हमारे टीम के सभी क्रिकेट टीम के सभी सदस्यगण, सहलू रवि भरत सतीश छोटू राजपाल भूपेंद्र संदीप अभिषेक एसपी बॉस कमलेश रामू सुमित रानू कुलदीप संदीप आकाश, आप सभी लोगों को खेल के साथ साथ नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, और आज टूर्नामेंट के माध्यम से आपने जो शुरुआत की है आदरणीय सरपंच साहब, ये शुरुआत केवल प्रगति और विकास की नहीं, केवल भौतिक प्रगति और विकास से कुछ नहीं होता, अगर प्रगति होना चाहिए तो व्यक्ति की मानसिक प्रगति भी होना चाहिए, व्यक्ति की बौद्धिक प्रगति भी होना चाहिए, और व्यक्ति की शारीरिक प्रगति भी होना चाहिए, तब जाके हम संपूर्ण प्रगति और विकास का आयाम हम देख सकते हैं। और आपने जो क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की है, एक क्रिकेट का टूर्नामेंट आज बरसोड़ी की पावन और पवित्र भूमि पर हो रहा है, मैं तो चाहता हूं आने वाले समय में आपके नेतृत्व में एक विधानसभा स्तरीय टूर्नामेंट हो और उसमें भी मुझे भागीदार बनने का मौका मिले। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपके एक एक कदम पर मेरा सहयोग मिलेगा, आप जिस प्रकार का भी आगे बढ़ेंगे उस प्रकार की मेरी मदद मिलेगी, अगर मैं हूं तो आप लोगों की वजह से हूं, और अगर मैं जिंदा हूं तो आप लोगों की वजह से हूं। आज मेरे पास जो मैं जनप्रतिनिधि हूं, चाहे मैं पूर्व विधायक हूं या मंत्री हूं, तो आप सब लोगों की, सब नौजवानों की, सभी माता बहनों की, पूरे क्षेत्रवासियों की कृपा से हूं और आशीर्वाद से हूं। मैं अपने जीवन में आपके आशीर्वाद का, आपके उत्साह का आकांक्षी बना रहूंगा, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप सदैव लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। साथियों, मेरे भाई हमारे अजमेर सिंह ने यहाँ पर एक प्लेग्राउंड की, खेल मैदान की बात कही, भाई संतोष जी जहाँ भी सरकारी नंबर हो उस सरकारी नंबर को पटवारी से बुला करके उसके खसरा अक्ष निकाल लीजिए, उसको ग्राम पंचायत प्रस्ताव डालकर उसको आरक्षित कराने का काम करें, उसको प्रस्ताव डालकर आप लाएंगे तो मैं राजस्व विभाग से तहसीलदार महोदय से उस सरकारी जमीन को खेल ग्राउंड के लिए हम आरक्षित कर देंगे। साथ ही साथ यदि यहाँ पर खेल ग्राउंड आपको बनाना है तो आपको 25 लाख तक की टीएस करने का आपको स्वयं का अधिकार है, आप प्रस्ताव बनाकर लाएं जनपद पंचायत से 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की राशि का आप खेल मैदान बनाने का काम करें। आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो समस्या है, मैं आज चल के आ रहा था, मैं उसके पहले भी दो बार आया हूं, उसकी मुझे, मैं बहुत पीड़ित भी हूं, आप भी बड़ा पीड़ित होंगे, आपका जो रोड है, मैं चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी से ये रोड फतेहपुर से बरसोड़ी,
बरसोरी से सिलरा और सिलरा से आपके नेकोरा पुल तक ये रोड डम्बरीकरण का हो जाए तो अति कृपा होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं प्रयास करूंगा मध्य प्रदेश शासन की ओर से, मैं निवेदन करूंगा हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से और यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि ये कई गांव की समस्या का निराकरण करके यहां पर रोड बना करके निराकरण करने का काम करेंगे। आने वाले समय में ये रोड डम्बर का रोड बने। भाई सूरज आप जरूर याद दिलाते रहिए, जे आपका प्रस्ताव है, आपने ये प्रस्ताव रखा है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो मैं ये रोड बनाने का भी काम करेंगे, हम यहाँ प्ले ग्राउंड बनाने का काम करेंगे और मैं भाई सरपंच जी आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपके गांव की बरसोरी और छलरा की प्रगति और विकास के लिए जो भी आप मुझसे अपेक्षा करेंगे, जो भी मुझसे उम्मीद करेंगे, मैं आपकी अपेक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने का काम करूंगा। क्योंकि हम सबकी, चाहे फतेहपुर सरपंच हो, चाहे हमारा रोनीजा सरपंच हो, ये तो पूरा क्षेत्र हमारा अपना है। साथियों मैं कह सकता हूँ कि 91, 92, 93 में मैं भी आप जैसे ही कार्यकर्ता था। हम केवल 2-4 लोग पूरे विधानसभा में हुआ करते थे, चाहे मैं हूँ, दीनदयाल जाटव हो, आपके इत्यादि लोग, प्रागीलाल जाटव हो, हम अपने वरिष्ठों के साथ मिलकर के, बुजुर्गों के साथ मिलकर के, भाई मुन्ना लाल जाटव जी जानते हैं, भाई सरपंच साहब के साथ में हमने दयाला वाले जी बीएसपी के रूम में काम किया करते थे, इनके साथ मिलकर हमने बहुत काम किया है। हमने अपने वरिष्ठों की बात मानकर, अपने सीनियरों के साथ जुड़कर और इस क्षेत्र में प्रगति और विकास की क्रांति लाने का काम किया, सामाजिक क्रांति लाने का काम किया और हमने सम्मान और स्वच्छता की काम करने का काम किया और उसकी बदौलत है आज हम धीरे धीरे चलते चलते सनाए कदम कदम आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री पद तक के लिए वहां पर पहुंचे हैं। आज तो जब तो हम 2-4 लोग ही थे, मुझे आज हजार, आज मुझे सैकड़ों की तादाद में आदरणीय संतोष जी, आदरणीय अखिलेश जी इत्यादि कई नौजवान ऐसे हैं जो इस देश को, इस समाज को दिशा देने का मादा रखते हैं। तो देश को दिशा देने का काम हमारा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, प्रदेश को दिशा देने का काम हमारा प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। हम सब लोग मिलकर अपने ग्राम ग्राम से लेकर तहसील तक और पूरी विधानसभा को दिशा देने का काम करें और हम सभी इस क्षेत्र के प्रगति और विकास में भागीदार बने, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप सभी लोगों को पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सभी ग्रामवासियों के चरणों में नमन करता हूं और हमारी बहुत सारी यहां पर बेटियां, नन्नी मुन्नी बेटियां, बेटा बेटी यहां पर बैठे हैं, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन, इस क्षेत्र के सभी नौजवानों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए हमारी जो जो भी क्रिकेट की टीम यहां पर पहुंची है, मैं इस ग्राम पंचायत की ओर से, इस ग्राम की पावन पवित्र भूमि की ओर से आपका वेलकम केवल नहीं करता, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं सभी।